बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। भाई मैट्रिक क्लास है, फिज़िक्स की बुक है, चैप्टर नंबर हमारा 16 जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंप्लीट हो चुका है। लेकिन इसका चूंकि पीडीएफ वर्क रहता था और बच्चों की डिमांड थी, तो पीडीएफ वर्क आज जो है, मतलब आपको पता है जब चैप्टर ख़त्म हो जाता है तो उसके बाद में तमाम यानी पूरे चैप्टर की यानी जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, उन सबको मिलाकर जो है पूरी एक ही वीडियो बनाता हूँ। पहले तो अलग अलग वीडियोस बनी हैं, लेकिन आज एक ही जगह पर आपको तमाम क्वेश्चंस के आंसर, इसमें जो है 14 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर भी इसमें मौजूद हैं। कुछ बुक में से हैं, कुछ मैंने बनाए हैं, ताकि आपका जो है जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो बन जाए। तो आप इनको देख लीजिएगा, और अगर कोई चीज़ इसमें समझ में ना आए, कोई आंसर आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप ज़रूर कमेंट्स में मुझसे पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा उसका। और अगर कोई चीज़ मिसिंग होगी, कुछ गलती हो गई होगी, तो वो भी ज़रूर बताया करें। अच्छा जी, उसके अलावा इसमें 4 न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल्स के अलग वीडियोज़ में मैं आपको बना कर समझा चुका हूँ। तो आज चूँकि समझाना नहीं है, असल चीज़ यही है कि आपको ये बतलाना है कि आज आपका जो पीडीएफ वर्क है वो मैंने बना लिया है, और आपको इस वीडियो की एंड जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मिल जाएगा, आप वहाँ से जो है उसको आसानी से ले सकते हैं। असल चीज़ यही है कि ये 14 क्वेश्चन चूँकि मैंने आपको बुक में से भी समझाए थे, कुछ 2-3 आंसर ऐसे थे जो अप्रोप्रिएट नहीं थे बुक में, तो हमने मैंने ख़ुद से उसको आंसर आपको दे दिए थे पिछली वीडियो में। लेकिन आज तमाम, चाहे वो बुक वर्क ही है, चाहे मैंने अपने पास से आंसर्स बनाए हैं, लेकिन सब जो है एक नोट्स की शक्ल में पीडीएफ फॉर्म में बना दिया है, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, अपने नोट्स जमा कर लें आप, क्योंकि अभी ये न्यू बुक्स हैं और इनके नोट्स तो अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके पास ये नोट्स सब जमा हो जाएंगे तो आप आसानी के साथ अपने पेपर्स की जो है वो तैयारी कर सकते हैं। ठीक हो गया। और इसके अलावा आप देख लीजिएगा कोई चीज़, इसमें ज़ाहिर है मैं आपको रीड करके पढ़ के बताने की तो नहीं है, वो तो समझा चुका हूँ मैं आप लोगों को, बस आप इसको नोट कर लीजिएगा। और अगर कोई भी चीज़ मिसिंग हो, समझ में ना आए, कोई आंसर आपको डाउटफुल लगे, तो ज़रूर आप डिस्कस किया करें, ताकि आपको भी उसका बेहतर वो मिले और मुझे भी आसानी हो आपको समझाने में। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।